बात की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वन ऑफ दाइडलीस्टिकल इन इकोनॉमिक मॉडलिंग इन अदर एम्पेरिकल मॉडलिंग इसी तरह से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ली हम कॉन्टिन्यूस डेटा के लिए यूज करते हैं और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है जहां पे भी दो बेसिकली जो है पॉसिबिलिटीज होती है कि जी आप पास हैं फेल हैं हेड है टेल है इलेक्शन विन कर रहे हैं नहीं कर रहे तो जहां पे भी बाइनरी आउटकम होती है टू आउटकम्स होती हैं तो वहां पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कैसे यूज करते हैं तो ये हम इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं तो आप देखिए तो आपके पास जो है वो अगर चार इंडिविजुअल हम सिलेक्ट करें और एक जो है उनमें से रिफ्यूज कर दे कि टू एडमिनिस्टर द शॉक तो अब देखिए चार लोगों में से क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि ए रिफ्यूज कर दे बी सी और डी नहीं करें बी रिफ्यूज कर दे सी ए और डी नहीं करें सी रिफ्यूज कर दे ए बी और डी नहीं करें डी रिफ्यूज कर दे तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं चार पॉसिबिलिटीज हैं तो एक हो गया नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज और एक है उनकी रिफ्यूज करने की प्रोबेबिलिटी तो इस चार मल्टीप्लाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्यूजल तो मैं भी बाइनोमियल की कंडीशंस बताऊंगा तो उनमें से एक कंडीशन ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैनिंग वन आउटकम ये सक्सेस जिसको कहेंगे जो इवेंट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट ऑल दी ट्रायल्स नंबर ऑफ ट्रायल्स फिक्स होंगे पहले से मैं पता होगा चार लोग हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर फिक्स होगी और ट्र, ट्र, ट्रायल्स जो है वो इंडिपेंडेंट होंगे कि एलन ब्रिटनी कैरोलिन और डेमियन uh, uh, का रिफ्यूज करना या ना रिफ्यूज करना इंडिपेंडेंट ऑफ है तो ये आपके पास पहले ए ने रिफ्यूज कर दिया उसकी प्रोबेबिलिटी है, तो है तो refuse, not, 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 तो तो ये इंडिपेंडेंट ए रिफ्यूज़ बी सी डी प्रॉबिलिटी जीरो और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी

तो अब इसका मतलब ये हो गया नंबर ऑफ तो चार पॉसिबल स्नैरियोज थे और प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ सिंगल सिंगल क्योंकि प्रॉबिलिटी जो है वो चेंज नहीं होगी फ्रॉम वन टू अगर एक ही, एक ही ही स्नैरियो चीज हो कि जो है वो मिस्टर ए होता तो वो ए रिफ्यूज करे या नहीं करे दैट इज कॉल्ड बर्नौली ट्रायल लेकिन जब बर्नौली ट्रायल को एक गिवन नंबर ऑफ ट्रायल्स रिपीट करते हैं तो वो बाइनोमियल बन जाता है तो देर इज लेस टीडियस वे कि हम इसको कैसे करें तो ये है सिंगल तो, तो इसका मतलब ए पी रेस पर वन इंटू वन माइनस पी रेस पर फोर माइनस वन अगर दो लोग होंगे तो पी रेस पार वन इंटू वन माइनस पी रेस टू द पावर वन अगर छह लोग होंगे और के टू हो जाए तो ये पी रेस पर टू हो जाएगा और वन माइनस पी रेस पर सिक्स माइनस टू हो जाएगा देन सिक्स में से दो रिफ्यूज करें तो उसकी क्या पॉसिबिलिटीज होती है तो कॉम्बिनेटोरिक्स बनता है सिक्स सी टू तो इसलिए उसको साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बेसिकली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये क्या चीज डिस्क्राइब uh, करती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली के सक्सेसेस के विल बी फ्रॉम जीरो मैक्सिमम अप टू एन और n इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स तो सिंगल जो ट्रायल है वो बर्नौली है अगर आप उसको रिपीट करें n टाइम्स यानी कि फोर टाइम्स सिक्स टाइम्स टेन टाइम्स तो वो बाइनोमियल ट्रायल बन जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कांस्टेंट रहती है तो ये आपके पास अगर n नाइन ओ के टू हो तो फिर क्या होगा अब आपके पास पहले दो रिफ्यूज करें आखिरी साथ नहीं करें पहला नहीं करें इस तरह से बहुत सारे बनेंगे अब इन को इस तरह से कैलकुलेट करना तो एक बहुत जो है प्रोसीजर प्रोसीजर है है एक लंबा है। तो अब हम क्या करते हैं इसका एक फार्मूला कैलकुलेट होता है दैट दी के ये सी यहाँ पे नहीं गिवन तो, ए, तो जब ये प्रिंस में लिख देते हैं तो सी नहीं लिखते एन सी के एन सी के इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिडेड बाई के फैक्टोरियल एन माइनस के फैक्टोरियल तो नाइन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियलोरियल तो नाइन इंटू एट इंटू सेवन फैक्टोरियल तो ये आपके पास फोर सी वन जो है ये वाला बन जाता है नाइन सी टू जो है थर्टी सिक्स पॉसिबिलिटीज बन जाती है इसको कैलकुलेट करना जरूर सोच देखिएगा आर में करेंगे तो चूज एन चूज नाइन कॉमा टू तो थर्टी सिक्स बन गया अब विच ऑफ फॉलोइंग इज फॉल्स पास कीजिए सोचिए देखिए बिफोर वी आंसर दिस क्वेश्चन तो आप सब पे वर्कआउट कर लीजिए तो नेचुरली एन सी एन माइनस वन को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा आपके पास एन फैक्टोरियल तो डिवाइडेड बाई ये आपके पास आ जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस फैक्टोरियल तो ये बेसिकली एन यहां पे आ जाएगा एन माइनस वन फैक्टोरियल और यहां पे बनेगा वन फैक्टोरियल क्योंकि एन सी माइनस एन माइनस वन तो ये बेसिकली एन रिजल्ट आएगा तो ये गलत है इसलिए इस इसको हम कह रहे हैं कि दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिए आप तो आपके पास जो है वो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला लग गया इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वन माइनस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर या success, या सक्सेस फेलियर से नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं है सक्सेस मीन जो आपका इवेंट ऑफ इंटरेस्ट है फेलियर मीन्स जो आपकी अदर चीज है तो अगर आपके पास होने के चांसेस एटी परसेंट है तो फेल होने के चांसेस पॉइंट ट्वेंटी परसेंट होंगे तो दो ही पॉसिबिलिटीज हैं

ट्रायल्स मस्ट भी इंडिपेंडेंट होल्ड करनी चाहिए नंबर ऑफ ट्रायल्स मस्ट भी फिक्सड होल्ड करनी चाहिए दो ही आउटकम्स होनी चाहिए सक्सेस या फेलियर अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मस्ट बी सेम फॉर ईच स्नैरियो ये बात होनी चाहिए तो जो आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी बच जाती है जो कि बाइनोमियल में रिक्वायर्ड नहीं है तो आप उसको देख सकते हैं तो ये बेसिकली जो है स्नैरियो जो है वो हमें अलाउड नहीं है इसकी क्योंकि नंबर ऑफ सक्सेज कैन नॉट बी नंबर ऑफ

दस में से आठ जो है वो बीस आ जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होनी चाहिए तो आप देखिए पहले वाला स्नेरियो नहीं हो सकता क्योंकि ये किसी एक सिंगल स्नेरियो की प्रोबेबिलिटी है दूसरे वाला एट सी टेन तो पॉसिबल है ही नहीं है कैलकुलेट ही नहीं हो सकता तीसरे वाला आपके पास जो है वो पॉसिबल स्नेरियो है और चौथे वाले स्नेरियो में तो यहाँ पे टू पॉइंट रेस पार एट होना चाहिए था रेस्ट तो पार टू एट होना चाहिए था तो इसलिए सी शुड बी द करेक्ट आंसर टू पॉइंट जीरो 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 फाइव इज द प्रोबेबिलिटी के दस में से आठ लोग जो है वो मोटे हों ओवरवेट हो तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू रेंडमली चोजन पीपल शेयर अ बर्थडे तो ये जरा एक लंबी प्रॉब्लम है मैं बर्थडे प्रॉब्लम को इस वक्त यहां पे नहीं डिस्कस कर रहा नेक्स्ट काम्स की जैसे बाइनो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने कहा था कि एक मीन होता है एक स्टैंडर्ड होती है तो मीन को कैसे कैलकुलेट मीन किस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में किसके इक्वल होता है म्यू इज इक्वल टू एन पी और स्टैंडर्ड एवियशन एन टाइम्स पी इन माइनस पी तो आप देखिए तो मैं एक बहुत ज्यादा एग्जाम्पल देता था कि अगर हंड्रेड बर्थ्स हो रही हैं तो उसमें से वो जो है आपके पास जो है वो नंबर ऑफ मेल बेबीज तो मेल और फीमेल की equal probability है तो 100 times by 2, तो 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 अगर आप इसको क्या बन जाता है फाइव बन जाता है तो हम ये कहते थे कि नंबर ऑफ मेल बेबीज अगर आप पिछले वाली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ज़हन में रखें तो देखिए फिफ्टी प्लस माइनस टू स्टैंडर्ड तो फिफ्टी प्लस माइनस टू स्टैंडर्ड एवियशन कितनी बन जाती है तो ये आपके पास जो है टू टाइम्स फाइव टू टाइम्स स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड जो अभी हमने कैलकुलेट की five, तो आप देखिए तो ये टेन बन गया तो नंबर ऑफ मेल बेबीज नाइनटी परसेंट नाइन ऑफ द्स जो है समवेयर बिटवीन फोर्टी एंड सिक्सटी के दरमियान रहेंगे जब तक उसके दरमियान रहेंगे हम कहेंगे तकरीबन जो है हमारी थीरी जो है वो सही है तो इसको आप वर्कआउट कर सकते हैं तो ये तकरीबन वही बात है जो अभी हम कर रहे थे कि वो प्लस माइनस टू डेविएशन से ऊपर नीचे कैसे हो सकती है तो ये आपके पास थर्टीन परसेंट एक्सीलेंट एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन तो दस हजार एक हजार अमेरिकन है का सैंपल लिया तो हंड्रेड उसमें से ये शेयर करते हैं तो आप देखिए कि आपके पास किस तरह से है तो मीन क्या बन गया वन थर्टी डेविएशन क्या बन गया टेन पॉइंट सिक्स तो आपको जो है विद इन प्लस माइनस टू स्टैंडर्ड डेविएशन तो जब आपके पास सैंपल साइज लार्ज हो जाए मींस मीन जो है ग्रेटर देन हो जाए तो आपको वो डिस्ट्रीब्यूशन को आप नॉर्मल से भी एस्टिमेट कर सकते हैं रादर देन कैलकुलेटिंग जो है वो सौ uh, में से हजार uh, uh, में से सौ थाउजेंड सी हंड्रेड तो दैट्स अ वेरी प्रोसीजर तो हम इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से यूज कर लेते हैं कि एक्स तो 100 लोग

और यहां पे टेन था क्योंकि पी जो है वो क्या था पॉइंट वन जीरो था तो अगर पी पॉइंट फाइव जीरो होता तो ये सिमेट्रिक होती इन एनी केस तो अगर आपके पास पी पॉइंट फाइव जीरो से कम हो या ग्रेटर हो मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कम हो या ज्यादा हो तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिक्योर्ड होती है तो आपको सैंपल साइज ज्यादा चाहिए तो अगर आपका एन पी ग्रेटर देन टेन हो एन इंटू वन या एन पी एन इंटू वन माइनस पी ग्रेटर हो तो बेसिकली आप इस डिस्ट्रीब्यूशन को बाइनोमियल फार्मूला कैलकुलेट करने की बजाय आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं तो इन इसलिए हम इसको कहते हैं कि इट कैन बी अप्रोक्सीडेड बाय द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर सैंपल साइज लार्ज हो तो आप देखिए तो आपके पास यहां पे एनपी जो है वो ग्रेटर देन थर्टीन टेन बन रहा है तो इट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाई यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन

तो पावर यूजर्स कॉन्ट्रीब्यूट मच मोर कॉन्टेंट देन द टिपिकल यूजर्स तो पावर यूजर्स आप देखिएगा फेसबुक में क्या होते हैं तो एन क्या है टू हंड्रेड फोर्टी फाइव पी क्या है पॉइंट टू फाइव तो हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू सेवेंटी अब अगर बाइनोमियल लगाएं तो बाइनोमियल में तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि टू फोर्टी फाइव सी तो टू फोर्टी फाइव सी सेवेंटी तो ये तो कैलकुलेशन करते हुए आपने तौर पे आपको एक बहुत बड़ा मसला आएगा तो इसको हम इसकी बजाय क्या करते हैं वो यूज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो हम उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से यूज कर लेते हैं वरना तो सेवनटी सेवनटी वन वो सारा कैलकुलेट तो आपने जब उसको नॉर्मल फार्मूला अप्लाई कर दिया तो एन पी क्या होगा म्यू और एन पी क्यू क्या होगा एन पी इसको वन माइनस पी को Q भी बोलते हैं तो ये आपके पास जो है स्टैंडर्ड तो आप इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं तो दैट्स दैट्स यू कैन वर्क विद दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि आपको सेवेंटी या सेवेंटी से ज्यादा फ्रेंड्स रिक्वेस्ट आएंगी तो नॉर्मल अप्रॉक्सिमेशन ब्रेक्स डाउन ऑन स्मॉल इंटरवल्स तो अगर आपके पास जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत स्मॉल हो तो ऐसे केस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेक डाउन हो जाएगी और अगर आपके पास इज इंप्रूव अगर आपके पास जो है वो 0.5 दोनों साइड्स पे फिर आप जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं ये प्लस माइनस 0.5 करते हैं आप अपने इंटरवल में से उसको हम जो है वो इस वक्त यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे बिफोर आई स्किप फिनिश दिस तो तो ये जो लिंक लिंक गिवन था, तो उस को देखिए तो अगर आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपको जो है वो दो स्टैंडर्ड एविएशन एरिया कैलकुलेट करना है तो आप देखिए तो ये दो स्टैंडर्ड एरिया पॉइंट जीरो टू फाइव सिक्स बनता है अगर आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से ले लें तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कैसे बनती है अगर पी पॉइंट फाइव के करीब है तो ये सिक्योर्ड बनेगी सिमेट्रिकल बनेगी अगर मैंने पी पॉइंट वन कर दिया और सैंपल साइज कम रखा देखिए सैंपल साइज यहाँ पे मैंने क्या रखा हुआ है टेन तो सिक्योर्ड है लेकिन अगर इसी सैंपल साइज को मैं इंक्रीज कर दू पी वही रहे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल की तरह ये सिमेट्रिक होती जाएगी तो इसलिए एन लार्ज होगा तो पी बेशक स्मॉल भी हो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस तो सैंपल साइज जो है वो लार्ज हो जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल को फॉलो कर जाएगी अगर पी पॉइंट फाइव हो तो फिर साइज स्मॉल हो लार्ज हो तो, तो सिमेट्रिक कर रहेगी तो ये आपके पास जो है लार्ज सैंपल इसलिए जरूरी होता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाई यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक केयर